सो गाइस, ये हाउ टू ऑर्गेनाइज सोलो टूर्नामेंट का पार्ट फोर होने वाला है। तो गाइस, अगर आपने पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री नहीं देखा है तो गाइस पहले वो पार्ट सारे देख लीजिए, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि भाई आप सोलो टूर्नामेंट कैसे ऑर्गेनाइज़ करवा सकते हो एकदम प्रोफेशनल वे में। ठीक है, सो गाइस, मैंने एक आपको एक मेथड बताया था रजिस्ट्रेशन करवाने का। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे मैंने लिखा था हाउ टू रजिस्टर के अंदर ये छोटा सा फॉर्म बनाया था, जो कि लोग हैं ना यहाँ पे रजिस्टर हियर के अंदर टाइप करके भेजेंगे। ठीक है, सो गाइस ये थोड़ा ओल्ड फैशन टाइप है। ठीक है, तो मैं ना आपको एक नया बताने वाला हूँ, गूगल फॉर्म के जैसा बताने वाला हूँ। तो इससे क्या होगा कि जो भी बंदे रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उनको एकदम अच्छी वाली फीलिंग आएगी। ठीक है, बेसिकली क्योंकि गाइस ये जो एक रजिस्ट्रेशन का होगा ना, तो गाइस वो काफ़ी ओपी, मतलब एकदम बढ़िया दिखता है, एकदम गूगल की तरफ से आता है बेसिकली। ठीक है, सो गाइस पहले तो आपको एक डाउनलोड कर लेना है एक एप्लीकेशन, फॉर्म्स ऐप नाम का, प्ले स्टोर पे भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो गाइस उससे पहले तो बता दूँ कि आज मेरा बर्थडे था। ठीक है, और था नहीं, बेसिकली आज ही है। ठीक है, और मैंने इतने दिनों से भाई मैं बोल रहा था कि भाई मेरे सब्सक्राइबर 4K करवा दो यार, बट यार आप लोगों ने वो गिफ्ट नहीं दिया यार, मेरे को बहुत बुरा लगा सच में। चलो कोई बात नहीं, अब गाइस वीडियो पे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, सो गाइस देखिए ये एप्लीकेशन है, इसको ओपन कर लेना है। इसके बाद आपको साइन अप कर लेना है इस एप्लीकेशन में, ठीक है, गूगल अकाउंट से। तो गाइस बाद में क्या करना है, यहाँ पे जो प्लस है ना, प्लस पे क्लिक करना है आपको, फॉर्म से जाना है यहाँ पे, क्रिएट ब्लैंक फॉर्म नीचे, ठीक है, नीचे क्लिक कर दो, टाइटल डाल दो सोलो टूर्नामेंट, मतलब जो टूर्नामेंट का नेम है ना वो डाल दो। ठीक है, सिंपल सोलो टूर्नामेंट, ठीक है, आपकी मर्जी वो डालिए। ठीक है, इसके बाद आता है गाइस डिस्क्रिप्शन। जैसा आप हर बार है ना यूट्यूब के वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन लिखते हो, वैसे ही आप टूर्नामेंट के बारे में बता दीजिए कि वी आर ऑर्गेनाइजिंग सोलो टूर्नामेंट, प्राइस पूल इतना है, ये डेट तक रजिस्ट्रेशन चलेगा, ये डेट को एंड हो जाएगा। ठीक है, ऐसा सब कुछ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कुछ भी कर देता हूँ, मतलब ऐसे ही। ठीक है, तो गाइस अब आपको क्या करना, अब यहाँ पर प्लस का ऑप्शन है ना, इस पर वापस क्लिक कीजिए। तो गाइस यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, यहाँ पर सिर्फ है ना शॉर्ट आंसर लिखा है फर्स्ट वाला, इस पर क्लिक कीजिए, देन गाइस क्वेश्चन का नाम लिख दीजिए। ठीक है, तो गाइस आप सोलो का करवा रहे हो तो बंदे से आप क्या लोगे, सिर्फ उसका इन गेम नेम और उसकी UID। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे आपको ना एक कॉन्टैक्ट नंबर भी ले लेना है। ठीक है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर, और गाइस यहाँ पे जो रिक्वायर्ड लिखा ना उस पर ऑन कर दीजिए। सो गाइस अब है ना आप यहाँ पे कहीं भी क्लिक कर दीजिए। ठीक है, तो गाइस ये सेव हो जाएगा। अब दूसरा वापस प्लस पे क्लिक कीजिए, गाइस यहाँ पे आप शॉर्ट आंसर पे जाइए और यहाँ पे गाइस आप है ना वो वाला कर दीजिए, यहाँ पे इन गेम नेम। ठीक है, इन गेम नेम। सो गाइस ये जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है ना, ये जो आपके टूर्नामेंट में एंट्री ले रहे हैं ना, बेसिकली वो लोग फिल करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो गाइस यहाँ पे मैं इन गेम नेम लिख देता हूँ, देन गाइस यहाँ पे रिक्वायर्ड कर देना। ठीक है, अब गाइस अब आता है UID, तो गाइस यहाँ पे भी लिख दीजिए इन गेम UID या फिर गेम UID। ठीक है, जो मन में आए वैसा लिख दीजिए। ठीक है, या तो फिर सिर्फ UID भी लिख सकते हो, गेम UID। ठीक है गाइस यहाँ पे रिक्वायर्ड कर दीजिए। सो गाइस रिक्वायर्ड करोगे तो क्या होगा कि जो अगला बंदा है ना जो रजिस्ट्रेशन कर रहा है, तो गाइस उसको ये क्वेश्चन का आंसर देना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं देगा तो गाइस वो सबमिट नहीं कर पाएगा फिर टूर्नामेंट में। ठीक है, सो गाइस अब क्या करना, गाइस यहाँ पे नीचे प्रीव्यू लिखा है ना, गाइस इस पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, सो गाइस अब लोडिंग हो रहा है हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक है, तो गाइस कुछ ऐसा दिखने वाला है अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक है, तो गाइस ये लोड होगा पहले तो। सो गाइस देखिए पहले तो सोलो टूर्नामेंट जैसा कि नाम डाला था हमने, और डिस्क्रिप्शन में मैंने FFFGGG ऐसा कुछ भी मतलब एग्जाम्पल के लिए लिख दिया था। तो गाइस अब क्या, गाइस कोई भी बंदा यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करेगा फिर ऐसा फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे गाइस वो अपनी डिटेल्स फिल करेगा। ठीक है, तो गाइस इसके बाद थीम्स का ऑप्शन मैं बता देता हूँ। तो गाइस यहाँ पे ना डार्क थीम, रिपोर्ट थीम, ऐसा जो बहुत सारी थीम मिल जाएगी प्रीबिल्ड, तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। गाइस यहाँ पे डार्क मोड कर देता हूँ। डार्क मोड करने से क्या होगा कि ऐसा कुछ हो जाएगा पूरा ब्लैक ब्लैक। ठीक है, जो पसंद हो वो कर लीजिए। ठीक है, थीम्स में जाकर या फिर अपनी माई थीम में जाकर अपने फोटो वगैरह भी अपलोड कर सकते हो। सो गाइस अब बैक आ जाते हैं एक बार। सो गाइस यहाँ पे सेटिंग है ना, सेटिंग पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे गाइस 100 लोगो लोगो है ना वो भी आप सेट कर सकते हो अपना। ठीक है, गाइस यहाँ पे चेंज लिखा ना, चेंज पे क्लिक करना, आपकी गैलरी ओपन हो जाएगा, वहाँ से चेंज कर लेना। ठीक है, मैंने यहाँ पे बेसिकली मेरा लोगो ऑलरेडी लगा रखा है। सो गाइस अब क्या होगा कि वेलकम पेज, सो गाइस वेलकम पेज है ना वो मेरा ऑन है। ठीक है, तो गाइस अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ ना, तो ये जो स्टार्ट बटन दिखाता है ना मेरे को, यहाँ पे स्टार्ट बटन ये वाला नहीं आएगा, सिर्फ डायरेक्ट मेरा ये वाला फॉर्म ही ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो आप चाहो तो इसको इनेबल रखिए, चाहो तो डिसेबल कर दीजिए। ठीक है, सो गाइस और आपको ना शो क्वेश्चन नंबर लिखा है इसको ऑफ कर दीजिए। ठीक है गाइस, अब क्या करना है, आप यहाँ पे सबमिट क्लिक कर दीजिए। सो गाइस अब क्या होगा कि ये है ना लिंक आ चुकी है आपके पास। ठीक है गाइस, यहाँ से कॉपी लिंक कीजिए, देन है ना डिस्कॉर्ड ओपन कर दीजिए। ठीक है गाइस, यहाँ पे मैंने हाउ टू रजिस्टर लिखा ना, ये वाला मैसेज ना आप डिलीट कर दीजिए।
ठीक है, डिलीट कर देता हूँ। देन गाइस क्या करना है कि ये वाली लिंक दे देनी है, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे आप लिख दीजिए प्लीज़ फिल अप द फॉर्म, प्लीज़ फिल अप द फॉर्म, सिंपल, जैसा चाहे वैसा आप लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो गाइस अब क्या होगा कि बंदे लोग ये रजिस्ट्रेशन कर देंगे टूर्नामेंट, ठीक है। तो गाइस आप चाहे तो रजिस्टर हियर लिखा ना, वो चैनल भी डिलीट कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, ये डिलीट हो गया। हाउ टू रजिस्टर पे कोई भी क्लिक करेगा तो गाइस कैसे ओपन होगा देखिए, यहाँ पे होल्ड अप कन्फर्म का क्लिक करेगा, देन गाइस क्रोम आ जाएगा, ठीक है, क्रोम पे ओपन हो जाएगा। सो गाइस कुछ टूर्नामेंट ऐसा दिखने वाला है। देन गाइस यहाँ पर स्टार्ट पे क्लिक करेगा, देन गाइस यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह सब फिल कर देगा, ठीक है। सो गाइस ये मैंने 665588 ऐसा ही एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे आपको अब क्या करना है कि अब आपको सर यहाँ पे सबमिट, ठीक है। तो गाइस ये ऐड आ जाता है, कोई बात नहीं, ऐड आता है लेकिन। तो गाइस अब क्या होगा कि जिन बंदे ने ना ऐसा आपको सबमिट किया होगा ना अपने टूर्नामेंट में आपके, तो गाइस आपको ना एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, या फिर आप फॉर्म्स ऐप में जाके भी चेक कर सकते हो, जैसे कि मैं अभी ओपन करता हूँ, ठीक है। तो गाइस अब मैं यहाँ से पहले तो बैक आ जाता हूँ। सो गाइस अब क्या होगा कि ऐसा कुछ आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए जितने भी रिस्पॉन्स आएंगे ना गाइस वो यहाँ पे लिखे हुए आएंगे बेसिकली सोलो, ठीक है। गाइस यहाँ पे व्यू रिस्पॉन्स पे जाते हैं, तो गाइस यहाँ पे देखिए बंदे का नाम वगैरह और कॉन्टैक्ट नंबर, इन गेम नेम, गेम यूआईडी, ठीक है। आप चाहे तो गाइस ये टूर्नामेंट को यहाँ से है ना इस फॉर्म को एक्टिव या फिर डीएक्टिवेट भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जहाँ पे एक्टिव लिखा ना इसको ऑफ करके, ठीक है। तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही था, मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद जय भारत।